नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। दिल्ली से गुड़गांव जाने में जहां अभी तक आपको 2 से 3 घंटे का ट्रैफिक जैम झेलना पड़ता है, आने वाले दिनों में वो नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि आप बस चंद मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यानी कि अब सड़कों पर लगने वाला जाम आपको परेशान नहीं करेगा, 2 शहरों के बीच की दूरी अब कम हो जाएगी। जी हाँ, सरकार की उड़ान योजना आने वाले वक्त में आपके सफर को और आसान और आरामदायक बना देगी। इससे न केवल शहरों की दूरी घटेगी बल्कि आम आदमी के लिए सफर में लगने वाला समय भी कम होगा। कैसे होगा ये मुमकिन, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से गुड़गांव जाना हो तो ट्रैफिक का ये हाल परेशान करता है। राजकोट से जामनगर के रास्ते में तो कई बार जाम मिलता है, वही मुंबई से नवी मुंबई जाना एक दिक्कत भरा काम है। लेकिन कैसा हो अगर यही दूरी आप आसमान के जरिए पूरी कर सकें? कैसा हो कि छोटी छोटी दूरियों के लिए आपके पास उड़ान का ऑप्शन हो? आने वाले समय में अब आपको शहरों में लगने वाला ट्रैफिक जाम परेशान नहीं करेगा, बल्कि आसानी से आप अपने शहर से उड़ान लेकर दूसरे शहर तक पहुंच जाएंगे। जी हां, उड़ान स्कीम के दूसरे राउंड में अब सरकार कम दूरी के शहरों को जोड़ने जा रही है, यानी अब आपके शहरों से उड़ेगी उड़ान। एविएशन सेक्टर की सफल योजना उड़ान को सरकार अब दूसरे दौर के लिए तैयार देख रही है, लेकिन इस दौर में आम आदमी को कम दूरी के शहरों में भी उड़ने का मौका दिया जाएगा। अब आप 150 किलोमीटर के कम के सफर में भी यात्रा कर पाएंगे। ज्यादा फ्लाइट ऑपरेटर्स को साथ जोड़ने के लिए सरकार ने इस राउंड में हेलीकॉप्टर को भी उड़ाने का फैसला किया है, यानी आने वाले वक्त में आप अपने शहर तक 9 से 13 सीटर हेलीकॉप्टर के जरिए भी जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियों को अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही दूसरे दौर में सरकार जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों पर जोर देगी। इन सब क्षेत्रों में जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, पहाड़ी एरिया हैं, इसमें बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें छोटे जहाज जो 9 सीटर वगैरह हैं उनको प्रोत्साहन देना था। और विशेष रूप से जो आप हेलीकॉप्टर सेवाओं में एक क्रांति आप कह सकते हैं, हम लोगों ने विशेष रूप से हेलीकॉप्टर्स को इस बार दूसरे चरण में बहुत प्रोत्साहन दिया है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर सेवाएं इन सब पहाड़ी इलाकों में पहुंचा जा सकती है। इन कंपनियों को सब्सिडी मिलने का फायदा भी आपको और हमें मिलेगा, क्योंकि इससे कंपनियां इन रूट्स पर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए आगे आएंगी। यानी उड़ान स्कीम से आम आदमी को ही फायदा होगा और जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा। इससे आप कम समय में लोग अपनी दूरी तय कर पाएंगे, साथ ही मेट्रो शहरों में लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगा और किसी भी तरह की आपातकाल स्थिति में घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। यानी आपके शहर से उड़ने वाली उड़ान से आप अपनी मंजिल में कई घंटों में नहीं बल्कि महज कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र भार्गव साहब हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ वेंकैलापति उमेश जो कि MD हैं ट्रूजेट के, वो भी हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित भी हमारे साथ हैं। समीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का सफर, जिसकी शुरुआत उड़ान स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, वो अब अपने दूसरे दौर में यहाँ पर पहुंच गई है। और पहले जहां 500 किलोमीटर का दायरा तय किया गया था, अब इस दूरी को घटाकर 150 किलोमीटर कर दिया गया है। क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, सरकार की कोशिश ये है कि जो छोटी दूरी है और उनको भी जोड़ा जा सके, और कोशिश ये है कि जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनको आगे लाया जाए, क्योंकि इससे सरकार की योजना ये है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के जरिए छोटी दूरी को भी तय किया जा सकता है और साथ ही जो दूर दराज के क्षेत्र है, जो अनटैप्ड सेक्टर है, उनको भी इस सेवा के जरिए वो हवाई मैप पर ला सकेंगे। तो इसके लिए जो दूसरा चरण है RCS का, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का, इसमें हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर को तमाम रियायतें, तमाम सुविधाएं दी गई हैं और साथ ही जो मौजूदा रूट्स जिनके लिए सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में बढ़ावा दे रही है, उसमें भी कई और कदम उठाए हैं। जो दूसरा दौर है, मसलन कि उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने का भी प्रावधान है, यानी कि अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो दो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स के बीच में एयरलाइन ऑपरेटर बढ़ाना चाहती है, तो उस पर भी कुछ रियायतें इस पर दी गई हैं। लेकिन जो बड़ा फोकस एरिया है वो ये है कि जो प्रायोरिटी एरिया परिभाषित की है सरकार ने, जैसे कि लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, इसमें हेलीकॉप्टर सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देना है और जो छोटी दूरी है उस पर भी
हवाई सेवाओं के जरिए सफर को संभव करना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। मिस्टर उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ट्रूजेट जो है वो तीन क्षेत्रों में यहाँ पर थ्री एरियाज को यहाँ पर कवर कर रही है, और हैदराबाद कुडप्पा हो, हैदराबाद नांदेड़ और नांदेड़ मुंबई, इन रूट्स पर आप उड़ान स्कीम के तहत हवाई सफर लोगों को दे रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर अब तक, और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? Yes, actually, it's a very good experience, actually. Realistically, when we have started this Kadapa Hyderabad sector, we may not be able to, without this UDAN, the viability gap fund, we are not enable to get the passengers the time, actually. We have just about flown for about a month, and we are not able to operate because of the viability. We have just stopped the operations in the last year, in the month of May and June, actually. Now, actually, we have started after getting the UDAN, under the UDAN, RCS May, we are operating now Hyderabad Kadapa. We are just getting average, we are getting a seat capacity of 50 seats daily. In that 35 seats are the RCS seats. It has been 2,500 rupees maximum this thing. And over and above, we are getting about 60 seats also we are getting. But average, we are getting about 50 seats daily we are getting. The same way, Hyderabad, Nanded also doing very well. Every day it is coming around 35 to 40 seats. And Mumbai, we have not started the operation because of the slot availability required by us, by the GVK. Hopefully we'll be getting a slot by maybe next week we'll be getting, and we are planning for doing the operation from the first week or before 10th of operation. 10th of September we will be operating the Mumbai in Nanded. And apart from that, we are planning to do the Vijayanagar from Hyderabad. Ji. And that is Ballari, close to Ballari, that JSW airport is there. For that, some DGCA clearances are required for the airport. We are hopefully will be starting by 10th of next month, that route also. But overall, it is very encouraging. And now, some of the airports actually required the smaller capacity aircrafts, actually. ठीक है मिस्टर भार्गवा, जैसा कि मिस्टर उमेश ने यहाँ पर कहा कि रिस्पांस उन्हें हैदराबाद कडप्पा रूट पर जैसे बहुत अच्छा मिल रहा है उड़ान स्कीम के तहत, कितना फीजिबल है भारत में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम? क्योंकि उन्होंने ये भी माना कि कुछ एयर स्ट्रिप्स ऐसी है जहाँ पर छोटे एयरप्लेन्स की, एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो कितना फीजिबल आप इसे देखते हैं भारत में? देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार का जो उड़ान का कॉन्सेप्ट है ये सराहनीय है। रीजनल कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इस पर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो कितने इम्प्लीमेंटेबल हैं उसको देखना होगा, जिसका कि उल्लेख हमारे जो पहले पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी किया जी। अब आवश्यकता ये है कि हम देखें कि हमको इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना है। दो चीजें बड़ी सराहनीय है, कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर से फीडबैक लेना, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे परिवर्तन ओरिजिनल पॉलिसी में लेके आए हैं। वेरी वेलकम स्टेप। अब देखना यह है कि आप कितने सेक्टर्स के ऊपर में फ्लाइट चला सकते हैं, जो आज गवर्नमेंट का बहुत सारी चेंजेस में उल्लेख किया। बहुत अच्छा होता अगर ये बताते कि जब से उड़ान लॉन्च हुई कितने पैसेंजर ट्रैवल किए, कितना वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया गया, कितने आरसीएस के टिकट है। क्योंकि जो मेरा मेन मानना यह है, क्या जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक जी। क्या हवाई चप्पल वाले आरसीएस का फायदा ले रहे हैं, उनको मिल रहा है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब कई स्टेप्स ऐसे हुए हैं, जैसे उन्होंने बताया कि अब एक प्रायोरिटी एरिया के अंदर में अगर 14 से कम फ्लाइट होगी तो उसको आरसीएस माना जाएगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर 14 फ्लाइट यानी कि दो फ्लाइट प्रतिदिन, क्यों नहीं एक बड़ा हवाई जहाज चलाया जाए जिससे कॉस्ट कम हो। अब आप दो सर्विसेज चलाएंगे पर डे, क्यों ऐसे चीज किए जाए? तो सरकार को एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा
कि कैसे हम उद्देश्य को हासिल करेंगे। अब ये नहीं कहा कि आप बड़े शहर से, जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बोला कि वो मुंबई नांदेड़ फ्लाइट चालू करेंगे, लेकिन उनको अभी तक स्लॉट नहीं मिला है क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट के अंदर में स्लॉट की शॉर्टेज है। अब ये होगा कि अब आप एक छोटे विमान के लिए एक बड़े हवाई जहाज के स्लॉट को डिनाय करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, हम ये नहीं कह सकते हम आरसीएस को परस्यू कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ आर मेजर फ्लाइट्स। बिल्कुल, बोथ हैव टू गो कंकरेंटली। तो इसमें एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि आप स्टेक होल्डर से विचार विमर्श कर रहे हैं, विच इज वेलकम, अब खाली ये देखना है कि उनके विचारों को कितना एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, कितनी क्रेडिबिलिटी, कितनी वैल्यू दी जा रही है। सरकार ये नहीं कहे कि हमने ये डिसीजन ले लिया है इसलिए अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो कहे RCS is bound to be successful. RCS will lead to economic growth of various areas जहां से फ्लाइट चालू होगी। और जरूरी बात है कि जब पैसेंजर्स, जब लोग ट्रैवल करेंगे वहां का इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगा, लोकल प्रोड्यूस का वितरण अच्छा होगा, हमारे फार्मर्स को अच्छा पैसा मिलेगा, होटल्स आएंगे, टैक्सी आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, विच शुड बी द की फैक्टर। मेरे साथ कपिल कौल साहब भी हैं, सीईओ है इंडिया एंड एमई एट कापा के, कापा इंडिया के। कपिल कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभी भार्गवा साहब कह रहे थे कि अभी जिस तरह से सरकार यहां पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के दूसरे दौर में यहां पर पहुंच गई है, संपर्क इनसे यहाँ पर टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मिस्टर भार्गवा, जैसा कि आप कह रहे थे कि क्लैरिटी नहीं दी है सरकार ने यहाँ पर कि कैसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का जो फेज वन था उसने कैसा परफॉर्म किया, किस तरह का रिस्पांस यहाँ पर मिला, हालांकि जो स्टेक होल्डर्स है उनसे जरूर सजेशंस ले रही है। जो स्कीम टू में, दूसरे दौर में जो बातें कही है कि कम दूरी के शहरों में फ्लाइट उड़ेगी, 150 किलोमीटर से कम का सफर जो है वो आप हेलीकॉप्टर चॉपर से तय कर पाएंगे, सर कितना चैलेंजिंग होगा ये, क्योंकि अभी फेज वन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, 21 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो सितंबर एंड से एंड तक यहां पर दोबारा चालू होंगे, ऐसे में कितना चैलेंजिंग रहने वाला है जब एक्चुअली फेज वन पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो देखिए, हम अक्सर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि वो बहुत देर से जाती है। मैं सरकार को अप्लॉड करता हूं, सरकार की सोच को, कि इससे पहले कि फेज वन पूरा हो फेज टू के बाद में सोचा जाए, बहुत ही वेलकम स्टेप है। लेकिन जैसे आपने बुलेटिन के इंट्रोडक्शन में बताया कि अब एक दिल्ली का निवासी गुड़गांव तक जा सकेगा और ट्रैफिक जैम को ओवरकम कर पाएगा, ये देखिए थियोरेटिकली इज वेरी राइट टू मेक अ स्टेटमेंट। अब दिल्ली एक बड़ा शहर है, आप कहां से हेलीकॉप्टर को चलवाएंगे, और दिल्ली के ही दूसरे शहर में जो कि 20 किलोमीटर दूर हेलीपैड है वहां पे भी तो ट्रैफिक जाम होगा। ठीक उसी प्रकार जब आप गुड़गांव में लैंड करेंगे और आपको जहां पे पहुंचना है वहां भी ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो ये जो उदाहरण है दिल्ली गुड़गांव का शायद नहीं है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का खास उल्लेख है कि अगर आप सड़क द्वारा ट्रैवल करते हैं तो आपको 8-10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आप हवाई यात्रा करेंगे तो आप 20 मिनट के अंदर में पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, असम के अंदर में। तो ये जो स्टेप जो सरकार सोच रही है इज अ वेरी वेलकम स्टेप, और इन्होंने विशेष उल्लेख किया है नॉर्थ ईस्ट का, जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, वी मस्ट वेलकम इट। जी जी जी, आपके पास आऊंगी मिस्टर भार्गवा। एक बार फिर कपिल कौल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौल साहब, अभी भार्गवा साहब कह रहे थे कि बहुत क्लैरिटी के साथ सरकार ने ये नहीं बताया है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का जो फेज वन था उसने कैसा परफॉर्म किया, हालांकि बहुत वेलकम स्टेप है ये और आम आदमी सो को जोड़ने की कोशिश यहां पर है, और हालांकि चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं। और मेरे साथ उमेश जी भी यहां पर बने हुए हैं। उमेश जी, चैलेंजेस क्या आपको लगता है कि रहने वाले हैं, हालांकि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसने कैसा परफॉर्म किया ओवरऑल, आप कह रहे हैं कि रिस्पांस काफी अच्छा मिला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो ट्रैवलर जो सड़क से या ट्रेन से सफर करता था वो एक्चुअली में शिफ्ट हुआ है इस केस में? या एक्चुअली द इन फैक्ट ऑफ दिस द रूट्स इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया
They're all completely the operate almost ready to operate the airports actually, except one or two airports actually, but not actually much. But one thing I will tell you, this helicopter where which has planned to do it in Northeast and Nagaland and the Sikkim and all the places, there the challenges are there. The cost of the operation cost is very high on the helicopter. The price what we are getting it from the RCS actually, it is very less. It is not viable for the operating a twin engine helicopter, that too, because the single engine, it is not, they're not allowed by the DGCA to operate it on RCS, because that we need, with those who are RCS operated air airstrips or air helipad has to operate it on the twin engine helicopter. Because of the operation cost of the air helicopter, twin engine helicopter is very high, but the what exactly we are getting the money from the government of India for the helicopter gap fund, it is very low. That is the major challenge actually. And another thing is there, in part of the airport are remotely located. Some, these are all unserved airports and underserved airports. They're all away from the city. There is no connectivity and the road transportation. Because it's, there, it is away from the remotely under maintained, and there is no local public transportation is a very big problem for the Kadapa like airports actually where we are flying. There is the government has to, the local government has to take a call to provide the some road transport coaches or some part of road transportation has to be given it to the passengers. That will help, because 2,500 rupees we are giving about 560 kilometers of length we are giving it, but for them, for about almost 5 to 7, 10 kilometers to go, they need to spend about 1,000 rupees out of it. That actually, this area, you need to, local state government has to take care of. ठीक है, मिस्टर भार्गवा, जैसा कि यहाँ पर उमेश जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर के लिए जो यहाँ पर फीस रखी जाएगी, जैसे 2,500 रुपए में, जो सपना है वो ये कि आप 2,500 रुपए में यात्रा करें, क्या हेलीकॉप्टर के लिए भी उतनी ही फीस रखी जाएगी या फिर प्राइसिंग में कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है? देखिए, देखना ये होगा कि हम किस लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप छोटे डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आपकी सर्विस नहीं कर रहे हैं. आरसीएस का कॉन्सेप्ट ये था कि आम आदमी भी उड़ सके. अगर आप एक शहर में कम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ लोग हैं, तो क्या कारण है कि आप उनको सब्सिडी दें, वायबिलिटी गैप फंडिंग दें? तो ये जो कुछ मिक्स हो रहा है हमारा टोटल कॉन्सेप्ट, जो क्लैरिटी और फोकस होना चाहिए वो है रीजनल कनेक्टिविटी, आम आदमी उड़ सके. अब उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं. उन्होंने बहुत सही कहा कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर इज मच हायर. ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप 14 फ्लाइट को, यानी कि 2 फ्लाइट प्रतिदिन को आप रीजनल कनेक्टिविटी में ले रहे हैं, तो क्यों ना एक हवाई जहाज जिसमें उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होगा कम, अगर डबल कैपेसिटी वाली फ्लाइट एक फ्लाइट चलाएं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको सरकार को डिटेल में जाना पड़ेगा, और क्योंकि सरकार विचार विमर्श कर रही है स्टेक होल्डर से जो कि एविएशन बिजनेस से कनेक्टेड है, मेरा ये मानना है कि जो फीडबैक मिलेगा उसमें ये जरूर सुधार लाएंगे और अपनी पॉलिसीज को प्रैक्टिकल बनाएंगे, जिसकी एक बहुत ज्यादा आवश्यकता है. सर, आप ये भी मानते हैं कि जो छोटे शहर है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है एविएशन सेक्टर के लिए, क्योंकि लोग छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में जाते हैं कामकाज के लिए और समय की कमी होती है, इसलिए ये बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है एविएशन सेक्टर के लिए आने वाले दिनों में? देखिए, दो चीज देखिए, हम किस ऑब्जेक्टिव से आरसीएस की फ्लाइट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. मेरा ये मानना है, एक तो है कि हाँ, हम चाहते हैं कि गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो आरसीएस के द्वारा फ्लाई कर सकें और अपने काम अच्छी तरह से कर सकें. सेकंड, अब किसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है कि आवश्यकता है, क्या वो शहरों को हम ले रहे हैं जहां पे टूरिज्म पोटेंशियल है? जी, क्योंकि अगर टूरिज्म पोटेंशियल वाले एरिया में तो लोग मिलेंगे आपको ट्रैवल करने के लिए.
क्योंकि अगर हम चाहें कि हम जैसे कि प्रीवियस दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि आप कुछ फ्लाइट्स के अंदर में 50-60% लोड फैक्टर अटेन कर रहे हैं जो कि एक अच्छा लोड फैक्टर नहीं माना जा सकता है. टारगेट शुड बी 80-90% की लोड फैक्टर जैसे कि इकोनॉमिक वायबिलिटी फंडिंग के ऊपर बोझ कम पड़े. तो सरकार को बहुत अच्छी तरह से चयन करना पड़ेगा कि हम किस शहरों के बीच में फ्लाइट ऑब्जेक्ट चालू करने वाले हैं, किस ऑब्जेक्टिव से करने वाले हैं. और ये 50%, 40% तो ये तो बहुत अच्छा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन कमर्शियल वायबल नहीं होगा. हमको देखना यह है कि आरसीएस जो है एक ऐसी तो अगर उसमें शॉर्टफॉल होता है तब वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा उसको सस्टेनेबल बनाया जाए. लेकिन वीजीएफ को ही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया जाए वो मैं नहीं मानूंगा कि वो सही पॉलिसी होगी. भार्गव साहब, हमने मुंबई में देखा है अंबानी जो है वो साउथ मुंबई से नवी मुंबई तक चॉपर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं. ऐसा अगर हो जाता है कि आप 150 किलोमीटर से कम की उड़ान हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो आम आदमी का तो समय भी बचेगा और साथ ही साथ वो सपना हवा में उड़ने का वो भी पूरी तरह से होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में. इसका मतलब देखिए, अंबानी जी से आई डोंट थिंक कंपैरिजन इज राइट. में वो 1,00,000 करोड़ की कंपनी को चलाते हैं, उनका हर मिनट प्रेशियस है. बिल्कुल सर, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि अगर वो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं तो अब आम आदमी भी हेलीकॉप्टर से सफर कर सकेगा छोटी दूरी. देखिए प्लीज कंपैरिजन देखिए, मुकेश अंबानी जब ट्रैवल करते हैं तो उनका वो निजी हेलीकॉप्टर है, वो डिसाइड करते हैं कि कितने बजे वो टेक ऑफ करेगा. जब एक आम आदमी जाएगा क्योंकि उसमें 9 से 13 सीटें होंगी तो आपको 9 पैसेंजर्स की सहूलियत से जाएंगे तो आप कब आपकी 9 सीटें भरेंगी, उसके बाद टेक ऑफ करेंगे, कैसे शेड्यूल किया जाएगा उसको. इसमें जैसे मैंने पहले बताया पॉलिसी बनाना सरल है, उसको इम्प्लीमेंटेबल बनाना डिफिकल्ट है. तो इसमें भी बहुत सारे इनपुट्स की आवश्यकता है. लेकिन शुरुआत तो हो गई ना सर, शुरुआत हो गई और सही दिशा में शुरुआत हुई जैसा कि आपने कहा. बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत बढ़िया प्लान है. सरकार को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इस पे सोच रहे हैं. लेकिन बहुत सारे अच्छे डिसीशंस होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे फेल हो जाते हैं. मेरा ये मानना है कि हमको इस पॉलिसी को फेल नहीं होने देना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है प्रॉपर विचार विमर्श, निटिग्रिटी डिटेल में जाएं, देखें कि कैसे इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए, वायबिलिटी गैप फंडिंग पे निर्धारित ना हो, कमर्शियल वायबिलिटी पे हो, मार्केट वायबिलिटी हो. हाँ. उस सेक्टर पे कितने पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, ये सब को उद्देश्य से ही पॉलिसी को चलाना चाहिए. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भार्गव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस बातचीत में शामिल होने के लिए. और जो प्रधानमंत्री का सपना है यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का, आम आदमी का हवाई यात्रा का सपना बहुत जल्द धीरे धीरे अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है. इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत. नमस्कार.